नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड के ग्राम पंचायत झोतर निवासी समाज सेवी विष्णु यादव के द्वारा कोरोना की जंग में क्षेत्रवासियों को बचाने के लिए धार्मिक ग्रंथों से प्रेरणा लेकर जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें राशन सामग्री बांट रहे हैं। सोमवार को विष्णु यादव और उनके सहयोगियों को झोतर गाँव के एक टोला में गरीब असहाय व्यक्ति को समझाते हुए देखा गया। इस दौरान वे राशन सामग्री भी बांट रहे थे। बताया गया कि कोरोना से प्रभावित गरीबों के बीच अपने निजी खर्च से लॉकडाउन वन से अभी तक 60 क्विंटल चावल वितरण किया जा चुका है। प्रखंड क्षेत्र के पोखरिया, मोहलनिया, कजरमारा, कदैलिया, नीमिया खान, दत्तवानिया तथा झोतर गांव के विभिन्न टोलों में विष्णु यादव अपने सहयोगियों के साथ टेम्पो द्वारा गरीब असहाय व्यक्तियों के बीच घर घर जाकर 10 किलो 10 किलो चावल वितरण किए हैं। विष्णु यादव के सहयोगी लोगों ने बताया कि लॉकडाउन वन से अभी तक 600 घरों में 10-10 किलो चावल राहत के रूप में वितरण किया गया है। उक्त लोगों ने बताया कि कोरोना की लड़ाई में निस्वार्थ भाव से अपने निजी खर्च से गरीबों को बचाने के लिए लॉकडाउन वन से ही विष्णु यादव प्रयासरत हैं और वे दिन प्रतिदिन गरीबों की सेवा में जुटे हुए हैं। बताया कि खासकर बाहर के राज्य में फंसे हुए मजदूरों व दिहाड़ी पर काम करने वाले किसान मजदूरों के घर पहुंचकर लोगों को जागरूक करते हुए पूछ-पूछ कर 10-10 किलो चावल दिया जा रहा है और अभी तक कुल 60 क्विंटल चावल बांटा जा चुका है। उनके सहयोगी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि वे पहली बार समाज सेवा के कार्य में उतरे हैं। वे 15 वर्षों से गरीब असहाय व्यक्तियों को सहयोग करते आ रहे हैं। उनके द्वारा गाँव के अत्यंत गरीब लड़की की शादी में तथा गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को सहयोग किया जाता है। मौके पर समाज सेवी विष्णु यादव ने कहा कि जब राष्ट्र संकट कालीन दौर से गुजर रहा हो तो युवाओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कोरोना के कहर से धरती कराह रही है, आदमी दुश्चिंता का शिकार बना हुआ है। ऐसी हालत में जनमानस के बीच जाना और उम्मीद जगाना, हौसला बनाए रखना ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने बताया कि रामायण, महाभारत तथा महाविष्णु पुराण धार्मिक ग्रंथों से प्रेरणा लेकर गरीबों की रक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाया हूँ। गरीबों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैं किसी पॉलिटिक्स उद्देश्यों के लिए गरीबों के बीच नहीं आया हूँ। मैं लगभग 15 वर्षों से लोगों के आर्थिक और शारीरिक सहयोग करता रहा हूँ और भविष्य में भी करता रहूंगा। इन कारणों से मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है। इस क्षेत्र में लोगों को आप सेवा कर रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य ये है कि बस लोगों का प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, और आशीर्वाद से बढ़कर के कुछ होता नहीं हमारे नज़र में। हमारे नज़र में अच्छा लगा, हम एक काम कर रहे हैं। अभी तक आपने क्षेत्र में कितने लोगों को सहयोग किया, कितने क्विंटल चावल? लगभग 60 क्विंटल एवं क्रॉस कर रहा है। अच्छा, आपका क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य बस एनी टाइम हमेशा 10 साल से लोगों की सेवा करते रह रहे हैं, ठेकेदारी करते हैं इसे बाहर में हम, तो हमेशा हम लगे रहते हैं। जैसे दशहरा हो गया, होली हो गया, जन्माष्टमी हो गया, रामनवमी का त्यौहार हो गया, इस सब में बढ़ चढ़ कर के ही शाम शुरू से लेते आए हैं। मेरा उद्देश्य है कि बस सेवा करते रहना और लोगों का आशीर्वाद लेना, बाकी कोई मेरा उद्देश्य अभी तक तो सोचे नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? विष्णु यादव, पिता श्री राम यादव, यहीं कराने वाले। धन्यवाद। धन्यवाद।